इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह जी हैं। केशव सिंह से जानेंगे कि आखिरकार क्या सच में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में सुलह की कोशिश चल रही है, और कोशिश चल रही है तो बात कहां तक पहुंची है, या अगर पहुंची है तो कहां बात अटकी है। केशव जी, सबसे पहले ये कंफर्म कीजिए कि क्या ऐसी कोई वार्ता हो भी रही है, बीजेपी कोई मध्यस्थता कर भी रही है कि नहीं कर रही है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि संघ का कोई वार्ता नहीं चल रहा, न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें मध्यस्थता करने का प्रश्न उठता है। और रहा बात कि विलय का बात होगा तो दोनों दल, दो दल का विलय होगा चुनाव आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भी मान्यता प्राप्त है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का बात है, तो विलय का प्रस्ताव दोनों पार्टी को ऐसे विलय नहीं कर सकता है। नियम के अनुसार विलय करना होगा तो दोनों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बुला करके प्रस्ताव लेना होगा। अभी इस ढंग का हम लोगों को न कहीं जानकारी है, न केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बताया गया है, और न कोई पहल दिखाई दे रहा है। जरूर एक आध न्यूज चैनल चलाया है, लेकिन सूत्र के हवाले से चलाया गया है, तो सूत्र के हवाले का समाचार कितना सटीक है इस पर अभी कहना भी मुश्किल है। नहीं, इसीलिए सूत्रों के हवाले से जो खबरें चल रही है उसमें कितना दम है ये तो आप ही लोग बताइए ना, जिनसे वार्ता चल रही है यही कोशिश। हम लोगों को जानकारी में इस ढंग का कोई वार्ता नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कल बात हुई है, इस ढंग का न प्रस्ताव है न कोई बातचीत चल रही है। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से कुछ चर्चा हो और मध्यस्थता हो जाए, सब कुछ ऑल इज वेल हो जाए, चाचा भतीजा एक हो जाए, ऐसी कोई मंशा है भी कि नहीं है? देखिए, मकसद तो सबको को था कि पार्टी रामविलास पासवान जी जो हमारे पूज्य नेता थे उनके द्वारा बनाई हुआ पार्टी है, और उनका जो सपना था, जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर के पार्टी का गठन किए थे कि पार्टी रहे और मजबूती से हम लोग लेकर के चलना चाहते थे, लेकिन चिराग जी के द्वारा वो हम लोग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुनने उनके नेतृत्व में ही चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग जी के द्वारा जड़ता पैदा कर दिया गया, शिथिलता लाया गया, पार्टी का जो मूल्य सिद्धांत था, नीति था, उससे भटक करके पार्टी चलाने लगे, कार्यकर्ताओं का घोर उपेक्षा हो रहा था। इन तमाम बिंदुओं को ही देखते हुए पहले अल्टीमेटम दिया गया, अल्टीमेटम पर नहीं सुधरे, फिर 8 बार पार्टी के लोगों ने छोड़ छोड़ करके अलग अलग ग्रुप में भागा, उसके बाद भी नहीं सुधरे, तो अंत में सांसदों को बाध्य होकर के कदम उठाना पड़ा। यदि चिराग पासवान जी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और साधारण कार्यकर्ता के रूप में आकर के अभी काम करने के लिए तैयार होते हैं तो इसमें आपत्ति किसको होगी? यानी कि पशुपति पारस के नेतृत्व में उनको काम करना होगा। हाँ, और माफी मांगनी होगी कि हमसे गलती हो गई है। देखिए, मैच्योर्ड राजनीतिज्ञ हैं पशुपति कुमार पारस जी, देश और राजनीतिक गतिविधियों पर गहरी पकड़ है, गहरी पैठ है, सारे चीजों को समझते हैं परिस्थिति का। और चिराग जी अभी कितना भी है तो बच्चा है, नौसिख हुआ है, एक बात है, उन लेकिन सबको राय लेकर के चलते। तो आज हमारे पूज्य नेता का जो कर्म था और उनके द्वारा निर्मित पार्टी था, वह आज एक रास्ता और दो फाक में होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। नहीं तो आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब सुलह की कोशिश, जैसे पार्टी के विलय की बात आपने की, तो क्या रालोजपा में चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे तब आप लोग मानिएगा, या फिर पुरानी लोजपा आ जाएगी और दोनों मर्ज हो जाएगा? आपको पहले तो देख लीजिए कि पार्टी कौन तोड़ा। पार्टी का आज भी लोकसभा में जो मान्यता है वह मान्यता है लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में, और उसके संसदीय दल का नेता बहुमत के आधार पर पशुपति कुमार पारस जी हैं। गूगल कर करके, नेट खोल करके देख लीजिए। अब रहा बात तो पार्टी तोड़ने का, तो चिराग पासवान जी तोड़े हैं, और चिराग जी को तय करना है तो अपने पूज्य पिताजी का जो कर्म था, जो उनका सपना था, जो देश और बिहार राज्य के जनता के हित में जो पार्टी बनाए थे, उस पार्टी को हमको एक मुस्तैद रखना है, उसको आगे लेकर के चलना है। ये सारा का सारा तय करना है चिराग जी को। अब चिराग जी तय करे, मैं कार्यकारिणी को बिठाए, उसके उनके प्राव पर हम लोग विचार करने के लिए तैयार है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से मतलब जो खबरें
सामने आ रही है उसी मुताबिक हम बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान को कहा गया कि आप दोनों लोग चाचा भतीजे एक हो जाइए और जो पुरानी मतलब परंपरा चली आ रही है, पुरानी जो सीटों का जो बंटवारा जिस तरीके से हुआ था उसी तरीके से हम इस बार भी कर देंगे, यानी कि 6+1। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का न कहीं प्रस्ताव है न कहना, ये ठीक है कि एक आध न्यूज चैनल के द्वारा यह चलाया गया बात है, तो हम कहते हैं कि ठीक बात है कि संयुक्त लोक जनशक्ति पार्टी, माने जिस समय लोक जनशक्ति पार्टी थी और हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी जीवित थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीट का शेयरिंग हुआ था और उसमें 6-1 का फॉर्मूला उस समय तय हुआ था। ठीक बात है, हम अपना औकात से अधिक भी नहीं मांगते हैं और कम भी नहीं लेने वाले हैं, तो हमारी जो पुराना चीज है उसी चीज को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी मांग रख रही है और हम उसी आधार पर समझौता भी करेंगे कल। तो अब चिराग जी को हम बार बार कहते हैं कि चिराग जी को तय करना है, आज भी लोक जनशक्ति पार्टी का वो व्हिप मानने के लिए बाध्य है, सारे चीज सदन में सदस्य भी है लोक जनशक्ति पार्टी के नाते, तो उनको तय करना है, भारतीय जनता पार्टी को इसमें बहुत कुछ तय नहीं करना है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हमारा मित्र दल है, उनको चिंता है कि दो फाग में न रहे लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी के प्रति उनकी आदर है, मैं आदर का उनका स्वागत करता हूँ। नहीं नहीं, तो ये आप लोगों से कुछ कहा गया है, मैंने आपके पशुपति पार्टी से कुछ ऐसा कहा गया है कि आप दोनों लोग एक हो जाइए? अभी हम लोगों को ना तो भारतीय जनता पार्टी से इस ढंग का कोई प्रस्ताव मिला है, न नेतृत्व के द्वारा हम लोगों को अवगत कराया गया है, इस ढंग का कोई अभी बात नहीं। ठीक है केशव जी, तो आप दोनों आप लोग आप चाह रहे हैं कि जितना हमें मिलता आया है उतना हमें मिल जाए, यही डिमांड चिराग पासवान भी कर रहे हैं कि जितना हम लोग को मिलता आया है उतना दे दिया जाए, तो यानी जितना मिलता आ रहा है तो 7×2=14 सीट यानी 12 लोकसभा के सीट और 2 राज्यसभा के सीट, ये पॉसिबल लगता है कि दोनों पार्टी को बीजेपी दे देगी? कंगन तो आरसी का पढ़े लिखे को फांसी क्या, आस कंगन में है कि सारा लोग जान रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो नेतृत्व परिवर्तन किया गया उस समय 5 सांसद एक अपना सर्वसम्मति से नेता चुने पशुपति कुमार पारस जी को, संसदीय दल के नेता से चिराग पासवान जी को अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटाए, तो बहुमत यहाँ पर है, बहुमत के साथ होगा और भारतीय जनता पार्टी का तो यही ना प्रस्ताव है कि जो जहाँ से सीटिंग है वही से चुनाव लड़ेगा, यही ना प्रस्ताव है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी भी मान रहा है कि जो व्यक्ति जहाँ से सीटिंग है उसको हम टिकट देंगे। ठीक बात है, अब एक राज्यसभा का हो सकता है विवादास्पद मामला हो सकता है ऐसे धरने में, तो राज्यसभा के लिए अभी हम लोग भविष्य में टेबल पर बैठेंगे, जब वार्ता का दौर होगा उसमें हम लोग तय करेंगे कि हम लोग ये आपको प्रैक्टिकल लगता है कि चिराग पासवान सिर्फ अपने लिए सीट मांग रहे हैं और लड़ेंगे? देखिए देखिए, मांगने वाला का मुंह बड़ा रहता है, जो हमारा बड़ा सबसे दल है एनडीए का घटक दल जिसके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बना है, उस दल का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर हम बात कर सकते हैं, काल्पनिक सवालों पर तो बात करना असंभव चीज है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव यही है कि जो सिटिंग है वो वहां से लड़े और उसके लिए हम तैयार है, यानी तैयार है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी रालोसपा को 5 सीट, 1 सीट चिराग पासवान को। ठीक बात है, अब एक राज्यसभा का सीट है और उस पर देखा जाएगा कि वो चिरागी की ओर जाता है कि हम लोगों की तरफ आता है, भविष्य के गर्भ में, भविष्य में उस पर देखा जाएगा। मतलब राज्यसभा सीट भी चिराग के पाले में चला जाए तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है और बीजेपी चाहे तो? देखिए, हम लोगों का अति लोभ नहीं है, पताशा के लिए मंदिर तोड़ने वाले हम लोग नहीं है, हम लोगों का एक उद्देश्य है कि एनडीए मजबूत हो और एनडीए अगला बार सरकार मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनावे, उद्देश्य यही है, राष्ट्रहित में ये उद्देश्य है और राष्ट्रहित को ही ध्यान में रख करके कोई हम लोग फैसला लेंगे। आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि चाचा भतीजा एक होंगे, क्योंकि जो आशीर्वाद देने वाली बात थी, गले मिलने वाली बात थी, उसके बाद इस बात की शुरुआत हो गई थी और कहना शुरू हो गया था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो रहा है, दोनों चाचा भतीजा एक हो रहे हैं। राजनीति में
सब चीज संभव है, सारा चीज असंभव है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। राजनीति अनिश्चितता का खेल है, इसमें ये आप खुट्टा गाड़ करके ये कह दीजिए कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है। हम कहें कि राष्ट्र और बिहार राज्य सर्वोपरि है, इसके हित में कोई भी हम लोगों को फैसला लेना होगा और विशेष करके एनडीए का, तो हम लोग इस हित में फैसला ले सकते हैं, लिए नहीं है ले सकते हैं। हाजीपुर सीट को लेकर क्या स्टैंड है अभी? अरे हाजीपुर बार बार हम लोग कहते हैं कि देखिए किसी को कह देने से कुछ नहीं होता है, सीटिंग और चेकिंग गठबंधन का मूल फॉर्मूला होता है। अब बता दीजिए कि जो महागठबंधन है, जो नया नाम इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, पश्चिम बंगाल में आएगा, तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पहले डिसीजन हुआ कि ठीक है गठबंधन हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी स्पष्ट कर दी कि हम कांग्रेस भाजपा से नहीं, कांग्रेस और सीपीएम से नहीं करेंगे। कांग्रेस सीपीएम भी कह दिया कि हम नहीं करेंगे। तो देखिए बहुत तरह की परिस्थिति के अनुसार निर्णय होता है। तो सीटिंग और ये निर्णय लेने के हुआ क्या कि मजबूत आधार तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में है, ठीक उसी ढंग से मजबूत आधार वाली हमारी सीट हाजीपुर है, हाजीपुर हमारा सीटिंग है, हम वहाँ पर अपना छोड़ने का नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी इशारा में सारा चीज कह दिया है कि जो जहाँ से सीटिंग है उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तो ये काल्पनिक सवाल बार बार करना किसी का सवाल उठा देने से कि हाजीपुर सीट कहीं ना विवादास्पद है, ना विवाद रहेगा, वहाँ से हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी सांसद हैं, चुनाव लड़ेंगे, भारत सरकार के मंत्री हैं, सारा चीज होगा, देखते रहिए। अच्छा एक लास्ट सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जो कोर वोटर्स हैं लोजपा के, जो कोर वोटर्स हुआ करते थे, वो आज चिराग पासवान के साथ नहीं बल्कि पशुपति पारस यानी आप लोग के साथ हैं? देखिए कोर वोटर में दो ग्रुप है, एक नौजवान पीढ़ी जो है वह अधिकतर चिराग पासवान के साथ है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, वो अधिकतर जो फेसबुक नहीं चलाते हैं, सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, वो लोग पशुपति कुमार पारस जी के साथ हैं। और इसका सर्वे रिपोर्ट भी आ चुका है कि किसके पास कितना वोट है, ठीक है किसी के पास 19-20 हो सकता है, लेकिन 20 कौन है, आप हैं कि चिराग पासवान? दोनों लगभग इक्वल है, उसमें बहुत अधिक माथा पच्ची का स्थान नहीं दिया है जनता। और अभी फिर सर्वे होगा, ये तो एक साल पहले का सर्वे रिपोर्ट था। चलिए कम से कम अब तो आप ये मान रहे हैं कि चिराग पासवान के पास भी आपके बराबर जनाधार है, पहले तो मानने को तैयार नहीं थे आप लोग कि उनके पास जनाधार कहाँ है? देखिए जनाधार अभी आया है, कहे ना कि हमेशा लोगों का मन मानसिकता बदलते रहता है, उस समय जो सर्वे हुआ उसके अनुसार क्या कुछ था, फिर आज सर्वे हुआ है, आज रिपोर्ट आ रहा है, तो अब देखिए क्या है। और 19-20 है रहता है, उसमें ठीक बात है कि तय करना है, अब देखिए भविष्य में सब क्या क्या तय होगा, बैठ करके सारा टेबल पर डिस्कशन होगा हमारे एनडीए गठबंधन का, उसमें जो तय होगा दिसंबर तक, अभी भी नहीं होने जा रहा है, दिसंबर तक आपको हम कह रहे हैं, दिसंबर के लास्ट में होगा चाहे जनवरी के फर्स्ट, समय देखा जाएगा सारा परिस्थिति। चलिए केशव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।